there. Caught me falling through the mud with a vision, saw I clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord on how I'm living. See me riding with my top down, all cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. तो दिस इज़ द ऑल न्यू निसान मैगनाइट, आज इसकी यहाँ लॉन्चिंग हो गई है। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी प्रॉपर वॉक अराउंड, डिटेल रिव्यू रहेगा गाड़ी के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये है निसान मैगनाइट जो है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। इसकी कॉम्पिटिशन में है टाटा नेक्सॉन, विटारा ब्रीजा, फोर्ड इको स्पोर्ट एंड महिंद्रा XUV300। तो अभी निसान ने इसको फिलहाल लॉन्च किया है एंड इसकी एक्साइटिंग प्राइसिंग है 4.99 लाख रुपीज़ एक शोरूम, जो कि XE बेस मॉडल से स्टार्ट होती है एंड टॉप मॉडल अराउंड इसका 10 लाख रुपीज़ ऑन रोड तक पड़ता है आपको। फ्रंट में आपको कंपनी क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है निसान ने, एंड जैसे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर क्रोम की थिक स्ट्रिप यूज़ की गई है विद L शेप LED DRL जो कि LED में है, एंड हेडलाइट्स भी आपको LED प्रोवाइड करती है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है विद LED फॉग लाइट्स। तो लाइटिंग के डिपार्टमेंट में LED का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है निसान ने, एंड ओवरऑल इसकी डिज़ाइनिंग एंड लुक के हिसाब से गाड़ी काफ़ी बोल्ड लगती है, रोड प्रेजेंस भी आपको इसकी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। एंड इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इंजन इसमें 2 इंजन मिलते हैं आपको, एक 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 100 PS की पावर मिल जाती है। एंड जो भी इंजन स्पेसिफिकेशन हैं वो आपकी स्क्रीन में अभी आ रही होगी, आप देख सकते हो आराम से। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट, तो फ्रंट में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे LED हेडलैम्प्स, इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि प्रोजेक्टर बेस्ड हैं, एंड नीचे आपको ये LED DRL मिल जाती है विद LED फॉग लैम्प्स भी इसकी LED है। एंड इसमें बीच में आपको काफ़ी बड़ी बोल्ड ग्रिल मिलती है, बीच में आपको निसान का लोगो मिल जाएगा, एंड आप देख सकते हो जैसे लाइट की थ्रो अभी दिन है उसके बाद भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी ब्राइट है। एंड फॉग लाइट्स भी आपको LED है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। नीचे आप देखोगे तो इसमें सिल्वर कलर का स्किड प्लेट आपको मिल जाता है, एंड क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है निसान की तरफ से, इधर आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है एंड इधर भी क्रोम का अच्छा वेल लेआउट निसान ने यूज़ किया है अपनी मैगनाइट में। तो अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। सो साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 16 इंचेस के टायर्स जो हैं 195/60R16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे आपको इसमें, जो कि देखने में मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बात बताऊँ तो सामने से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं, एंड उसको एक काफ़ी अपग्रेडेड लुक ये क्लैडिंग भी दे रही है जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी ऑफ रोडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की मैं अगर बात करूँ तो 205 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है जैसे कि आप देख सकते हो। सेगमेंट में बेस्ट तो टाटा नेक्सॉन का है 209 mm का, बट इसका भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है अपने सेगमेंट के हिसाब से। एंड साइड प्रोफाइल, एक साइड लुक अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो वो ये है पूरा, आप देख सकते हो निसान मैगनाइट का। तो साइड प्रोफाइल की अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है विद क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे आपको, एंड इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट 360° कैमरा मिल जाता है, पार्किंग कैमरा, एंड एक कैमरा आपको सामने ग्रिल में मिलेगा, एंड दो आपको, एक आपको इधर मिल जाएगा यहाँ पे अपने साइड रियर व्यू मिरर में, एक राइट साइड में मिल जाएगा। तो ये थी कुछ साइड प्रोफाइल की बात। क्लैडिंग भी काफ़ी अपीलिंग लग रही है इस गाड़ी के हिसाब से क्योंकि ये सब कॉम्पैक्ट SUV है। एंड फ्रंट प्रोफाइल में जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैमरा है 360° का, वो एक कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ग्रिल के पास निसान की बैजिंग के नीचे, एंड दो कैमरा आपको साइड में मिल जाएंगे आपके रियर व्यू मिरर पे। ये है ऑल न्यू निसान मैगनाइट की रियर लुक। ये आपको कौन सा कलर है आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, एंड ये है इसकी रियर टेल लैम्प की लुक जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है अपने सेगमेंट में। एंड एक चीज़ मैं इस गाड़ी के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आप जैसे देख लो, आप नेक्सॉन को देख लो, ब्रेजा को देख लो, कहीं ना कहीं आपको डिज़ाइन में कुछ इश्यूज़ लगेंगे, बट निसान मैगनाइट एक ऐसी कार है जिसकी डिज़ाइनिंग आपको किसी भी डायरेक्शन से या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ख़राब लगने वाली नहीं है, काफ़ी प्रोपोर्शनेट है कार। आपको रियर से देखें, फ्रंट से देखें या साइड प्रोफाइल से देखोगे, गाड़ी आपको काफ़ी प्रीमियम लगने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्पॉयलर मिल जाता है विद आपको बीच में ये थोड़ा सा डेप्थ इनग्रेव जैसा है ये, जो कि देखने में साइड प्रोफाइल या रियर प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि इस गाड़ी में आपको निसान मैगनाइट में बेस मॉडल से ही रियर विंडशील्ड वॉशर मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम टच है गाड़ी के हिसाब से। एंड यहाँ पे क्रोम की थिक स्ट्रिप मिल जाती है विद यहाँ पे मैगनाइट लिखा हुआ है काफ़ी बोल्ड, जो कि कॉमन हो गया इस सेगमेंट की गाड़ी में।
एंड यहाँ आपको मिल रहा है टर्बो की बैजिंग, जैसे कि ये 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ गाड़ी आती है। नीचे की मैं बात करूँ तो नीचे रियर प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा प्लास्टिक का क्लैडिंग है, सिल्वर एंड ब्लैक कलर ड्यूअल टोन फिनिश में आता है जो कि, एंड टेल लैंप्स में वही LED टेल लैंप्स हैं एंड हेलोजन के आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। डीफॉगर भी गाड़ी में मिल जाते हैं विद बेस मॉडल, बेस मॉडल से आपको डीफॉगर भी मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना टाइप की कोई चीज़ इसमें है नहीं, एंड क्लैडिंग की जैसे मैंने आपको बात कर ली है 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो ये था कुछ जिसका एक्सटीरियर प्रोफाइल निसान मैग्नाइट का। आप चलते हैं अंदर में एंड आपसे आपको इंटीरियर की बात करते हैं। सो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो मैं आपको रियर सीट पहले आपको दिखा देता हूँ। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो जैसे कि अब मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ निसान मैग्नाइट के अंदर, तो मैं डोर प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो डोर में आपको सिल्वर फिनिश में डोर ओपनिंग मिल जाती है, आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है। एंड इधर मैं अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पे फैब्रिक का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, एंड इंटीरियर जो है इसका ऑल ब्लैक इंटीरियर इस गाड़ी में प्रोवाइड किया गया है। एंड अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, मेरी हाइट है 5'7" एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लेग रूम मेरे को मिल रहा है। एंड हेडरूम की मैं अगर बात करूँ तो अराउंड इतना हेडरूम भी मुझको प्रोवाइड हो रहा है। एंड अब मैं अगर 3 लोगों के बैठने की बात करूँ तो उसमें 3 लोग बैठने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि वाइड है इसका कैबिन काफ़ी, अपने सेगमेंट में वाइडेस्ट कैबिन तो मैं नहीं बोलूँगा बट काफ़ी स्पेशियस है। यूटिलाइजेशन गाड़ी का काफ़ी अच्छा किया गया है स्पेस के डिपार्टमेंट में। एंड आपको बीच में अगर मैं बात करूँ तो बीच में जो फ्लोर हम्प मिलता है वो काफ़ी ना के बराबर है, मतलब बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है निसान ने उसको। एंड फीचर्स की मैं अगर बात करूँ तो रियर में आपको 2 AC वेंट मिल जाते हैं, नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा। एंड सबसे बेस्ट जो इसका फीचर है जो मुझे लग रहा है सेफ्टी फीचर के हिसाब से, वो है इसका हेड रिस्ट्रेन आपको इस गाड़ी में बेस मॉडल से मिल जाता है, मतलब XC जो बेस मॉडल है 4.99 लाख उसमें भी आपको ये हेडरेस्ट प्रोवाइड करती है कंपनी, जो कि काफ़ी अच्छी है निसान की तरफ से। एंड अगर अब मैं लाइटिंग की बात करूँ तो ऊपर आपको एक कैबिन लाइट यहाँ पे मिल जाती है जो कि है येलो कलर में। तो ये था कुछ रियर स्पेस एक्सपीरियंस ऑफ निसान मैग्नाइट। तो अब चलते हैं आगे वाली सीट पे एंड मैं आपको बताता हूँ कि आगे का कंफर्ट आपको कैसा मिलेगा। एंड डोर की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक 1 लीटर की बॉटल होल्डर कैपेसिटी भी मिल जाती है विद स्पीकर प्लेसमेंट, आपको यहीं नीचे में मिल जाता है। एंड अगर मैं इसमें आपको सीट बेल्ट की बात करूँ तो आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा इसमें, लैप बेल्ट सेंटर वाले पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट है एंड 2 पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है सेफ्टी के हिसाब से। सो अब हम चलते हैं इसके फ्रंट सीट पे एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी फ्रंट सीट में, निसान मैग्नाइट की फ्रंट सीट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। इसमें आपको ये ब्लैक एंड ग्रे फैब्रिक का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ काफ़ी अच्छा मैच करता है। एंड बीच में आपको सिल्वर के इंसर्ट्स भी मिल रहे हैं इंटीरियर के अंदर, ताकि गाड़ी आपको काफ़ी प्रीमियम लुक में लगे। तो इधर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं विंडोज़ को अंदर से क्लोज एंड कंट्रोल करने के स्विच, एंड सिल्वर फिनिश में आपको अंदर का लीवर मिल जाता है। एंड डोर पॉकेट की मैं अगर बात करूँ तो आपको 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं विद स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे भी नीचे की गई है। तो अब हम लोग आ गए हैं निसान मैग्नाइट के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे अगर एक बात करूँ तो वो है इसकी सीटिंग कम्फर्ट काफ़ी बेहतरीन है अपनी क्लास में, इवन टाटा नेक्सॉन से भी काफ़ी कम्फर्टेबल मुझे इसकी सीट अपने सेगमेंट में लग रही है। तो अब मैं अगर आपको डैशबोर्ड एक प्रॉपर लेआउट दिखा दूं डैशबोर्ड का, तो यहाँ पे जो आपको कर्व्स मिल रहे हैं जो निसान प्रोवाइड करा रही है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने सेगमेंट में। एंड ये आपको फ्लोटिंग डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एंड यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपको कुछ स्विच मिल जाते हैं, जैसे ये पार्किंग स्विच, ये आपका लॉक एंड अनलॉक करने का स्विच, ये है आपको डिफॉगर का स्विच। एंड AC का कंसोल आपको कुछ ऐसा मिलेगा कॉकपिट स्टाइल का, समथिंग लाइक यू हैव सीन इन द मारुति स्विफ्ट, तो उससे आप कंपैरिजन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। एंड अब आ जाते हैं स्टेयरिंग व्हील पे, तो ये है निसान का स्टेयरिंग व्हील जो कि देखने में आपको कुछ ऐसा लगेगा विद लेदर रैप्ड है ये। आपको इधर म्यूजिक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इधर क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड लीवर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है वाइपर का, एंड राइट साइड में आपको लीवर मिल जाएगा अपनी हेडलाइट्स को कंट्रोल करने का। एंड अब मैं एक बार इंजन की बात कर लेता हूँ, तो इंजन इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और एक है 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो आपको 100 PS की पावर प्रोवाइड करेगा। एंड अब मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन, ये आपको हेडलाइट लेवलिंग मिल जाते हैं, एंड ये है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ऑन या ऑफ करने का, जो कि आपको मिल जाएगा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। एंड सेंटर कंसोल की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हो या कोई भी गैजेट रख सकते हो। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है विद USB, तो USB का भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ये आपका है हैंड रेस्ट
छोटा है साइज में बट यूजेबल है, स्लाइडिंग हैंडरेस्ट नहीं मिलता है एंड ना ही ये ओपन हो सकता है, जबकि इसका यूज कंपनी काफी अच्छे से कर सकती थी, जो कि इसको ओपन करके इसमें कुछ स्टोरेज डाल करके। एंड यहाँ पे आपको दो बॉटल होल्डर आप बोल सकते हो, कप होल्डर आपको मिल जाता है। तो यह इसका हैंडब्रेक जो कि लेदर में रैप है, तो ये भी काफ़ी प्रीमियम टच दे रहा है गाड़ी को। एंड डैशबोर्ड की मैं अगर बात करूँ तो डैशबोर्ड में आपको टेक्सचर्ड यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा, ये मतलब ग्रेव्ड नहीं है, प्लास्टिक ही है ये। तो ग्लोव बॉक्स की मैं बात करूँ तो ग्लोव बॉक्स में आपको लाइट मिल जाती है एंड काफ़ी यूजेबल ग्लोव बॉक्स है, डीप भी है एंड यूटिलाइज आप इसको अपने हिसाब से अच्छे से कर सकते हो। फ्रंट में आपको ये कैबिन लाइट यहाँ पे मिल जाती है, इसमें भी आपको मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में एंड पैसेंजर साइड भी आपको मिरर मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट इन सेगमेंट तो नहीं है बट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है एंड इधर आपको मिल जाता है लाइट के स्विच। सीट की कुशनिंग में अगर आपको दिखाऊं तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, बोल्स्टर्स जो इसमें आपको प्रोवाइड कर रही है निसान वो काफ़ी बड़े हैं एंड आपको ओवरऑल सपोर्ट गाड़ी से काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, तो उसमें भी आपको कोई डाउट वाली बात नहीं है। एंड लेग रूम की मैं बात करूं तो लेग रूम काफ़ी अच्छा है गाड़ी में, इवन ऑन द फ्रंट सीट्स, पीछे भी काफ़ी अच्छा लेग रूम है एंड आगे भी काफ़ी अच्छा लेग रूम निसान प्रोवाइड करा रही है। एंड रियर व्यू मिरर की बात करें तो ये रियर व्यू मिरर है, ऑटो डिमिंग नहीं है, आपको इसको मैन्युअली डे नाइट IRVM है, इसको आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड अब मैं आपको एक बार रियर सीट यहाँ से दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ आपको रियर सीट दिखता है एंड आपको इसमें बेस मॉडल से ही हेड रेस्ट्रेंट मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है और बीच में आपको इसमें हैंड रेस्ट भी प्रोवाइड करती है कंपनी। डिस्प्ले आपको ये मिल जाता है, ये फ्लोटिंग डिस्प्ले है इसका, जो कि काफ़ी सारे फर्स्ट इन क्लास फीचर्स के साथ कंपनी प्रोवाइड करा रही है। सो, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने डोर ओपन किया तो यहाँ पे शो होता है कि डोर ओपन करके, प्रॉपरली बताएगा नहीं कौन सा डोर ओपन है बट ये आपको इंडिकेशन जरूर प्रोवाइड करा देगी गाड़ी कि आपका कोई एक डोर ओपन हो चुका है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूँ, 336 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है एंड बूट लाइट भी आपको मिल जाएगी। बूट का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है, मतलब कुछ आपको डेप्थ या अदर टाइप ऑफ चीज़ इस गाड़ी में नहीं मिलेगी एंड वूफर भी इसमें इंस्टॉल नहीं है, जैसे कि ये XV प्रीमियम मॉडल है। 60-40 में आपको सीट स्प्लिट्स मिल जाती है एंड पार्सल ट्रे भी आपको गाड़ी प्रोवाइड करवा रही है। ये था कुछ निसान मैग्नाइट का वॉक अराउंड रिव्यू, जो कि मैंने सारी डिटेल्स आपको देने की कोशिश की है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।